मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। उस काम में लगा हूं। और एक चीज नियमित रूप से करनी पड़ेगी कि थोड़ा शरीर श्रम नियमित रूप से हो, पति का भी पत्नी का। पति का शरीर श्रम क्या होना और पत्नी का क्या होना, इसके लिए दो अलग अलग विभाजन है हमारे शास्त्रों में। पत्नी के लिए शरीर श्रम ऐसा होना जिसमें पेट का हिस्सा, जिसको गर्भाशय कहते हैं, उसमें बार बार मूवमेंट आए, ऐसा श्रम हमें होना पत्नी के लिए, स्त्री के लिए। तो वो क्या करना है, जैसे वो चटनी बनाते हैं ना, चटनी, तो चटनी अगर मिक्सी में बनाएंगे तो शरीर का श्रम नहीं है, लेकिन हाथ से बनाएंगे तो शरीर का श्रम है। और उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट यूट्रस रीजन का ही होता है, गर्भाशय का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, तो चटनी हाथ से बनाए। इसी तरह से हाथ काम ज्यादा घर का, कपड़े धोना तो हाथ से धोना, वॉशिंग मशीन से नहीं धोना, चटनी बनाना तो हाथ से बनाना, रोटी बनाना तो हाथ से बनाना। आजकल रोटी बनाने का मशीन आ गया है, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ता है, रोटी बनाना तो हाथ से, कपड़े धोना तो हाथ से, चटनी बनाना, ये सब स्त्रियों के लिए। और एक बहुत अच्छा श्रम है, अगर आप सब करेंगे तो बहुत अच्छी संतान आपको होने वाली है। वो श्रम क्या है, चाकी चलाना। क्या बोलते हैं उसको, जाता, यस। जो भी ताई, जो भी आई इसको चला सके दिन में 15 मिनट, जास्ती नहीं, बस 15 मिनट, उसकी संतान सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छी होने वाली है, ये चलाने का। अब इसको चलाने से होता है कुछ भी नहीं है, एक ही काम होता है, हमारा जो गर्भाशय का क्षेत्र है उसका सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी पोजीशन में होता है जब हम ये चलाते हैं। मैंने थोड़ा अभ्यास किया, अपने पुराने जमाने की जो आई है जो जाता चलाती है, सबके बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त। मेरी आई मेरे बारे में बताती है, मेरा और मेरा एक छोटा भाऊ है, हम दोनों का जन्म मेरी आई ने 8 महीने लगातार जाता चलाया। हमारे घर में एक परंपरा है कि जो आटा होता है वो ताजा खाना, तो जाते से ही संभव है, वो बाहर से पिसा के नहीं लाना। तो वो परंपरा के कारण मैं, मेरे भाऊ का, दोनों का जन्म हुआ है, और मैं जब से जन्म हुआ बीमार नहीं पड़ता, मेरा भाऊ भी बीमार आसानी से नहीं पड़ता। मेरे घर में मेरी आई को बहुत बार मैंने पूछा, तब उसने ये बताया कि जाता का परिणाम, मेरा जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, मेरे भाऊ का भी जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, घर में हुआ, मेरी अज्जी ने हम दोनों का जन्म कराया, डॉक्टर को नहीं बुलाया, मेरी अज्जी पढ़ी लिखी नहीं थी, दोनों का जन्म उसने आसानी से करा लिया, वो एक ही कारण जाता। तो आपके घर में अगर जाता लेके आए बहुत अच्छा मिलता है ना, अभी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 50-60 रुपए में या 100 रुपए में मिल जाता है। तो आप उसको नियमित रूप से 15 मिनट, जास्ती नहीं, 15 मिनट चलाए स्त्रियों के लिए। पुरुषों के लिए शरीर श्रम क्या करना है, पुरुषों के लिए शरीर श्रम सबसे आवश्यक है कि आप थोड़ा दिन अगर चाहते हैं कि स्वस्थ संतान हो तो नागल चलाना। नागर चलाना, अभी नागर अभी नागर चलाना उनके लिए तो आसान है जिनके पास खेती है और बैल है। जिनके पास खेती नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, नौकरी करते हैं बैंक में, बीमा कंपनी में, अभी तो हम नागर नहीं चला सकते, तो उसके बराबर का एक दूसरा श्रम है, उसी के जैसा श्रम है, सीढ़ियां चढ़ना और उतरना। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो तीसरा और आखिरी श्रम है, जास्ती पैदल चलना। पैदल चलना, एक दिन में 4-5 किलोमीटर पैदल चलने का आदत डालिए। हर समय मोटरसाइकिल पे चले, कार में चले, वो अच्छा नहीं, थोड़ा 5-7 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास हो, नहीं तो नागर चलाने का हो, नहीं तो सीढ़ियां चढ़ने। तो पुरुषों के लिए इस तरह का श्रम है, स्त्रियों के लिए जाता चलाना, चटनी बनाना, कपड़े धोना, ये सब श्रम अगर हम करें
तो संतान आपकी स्वस्थ, तंदुरुस्त और बहुत तेजस्वी और तपस्वी होने वाली है।